हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित वास्तविक संख्या अध्याय 1। उसमें से देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नया चैनल, वीडियो आएंगे नए नए। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएँ क्या होती है? तो संख्या होती है दो टाइप की, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, ठीक दोस्तों, जिसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं दो, ठीक। और काल्पनिक संख्या कैसी होती है? ये वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होती है, जो कि दोस्तों हम आगे देखेंगे। और ये जो काल्पनिक संख्या होती है, इसका उदाहरण देखते हैं। वास्तविक संख्या तो हम खुद ही देखेंगे, काल्पनिक संख्या का उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों, ये हम ले लिए हैं क्वेश्चन, हल करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर यहीं रहेगा और ये बराबर की उधर इसको भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएंगे। यही होती है काल्पनिक संख्या, क्योंकि अब हम यहाँ पास कल्पना करेंगे, एक लेंगे प्लस अंडर रूट 1, फिर एक लेंगे माइनस अंडर रूट 1, ठीक दोस्तों। ये है काल्पनिक संख्या, इसे हम कल्पना करके बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन और इसमें जो परिमेय लगने वाली है वो। तो अभी इसमें एक परिमेय लगने वाली है, लिखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसमें समझेंगे क्या करना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने पर क्रम के बिना अद्वितीय होता है, बिना क्रम के अद्वितीय होता है। तो चलिए देखते हैं, ये अभी आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, इसे पढ़ना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो भी हम देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसके बाद हम देखेंगे इसे कैसे गुणा का दोनों का व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो स्क्रीन में दिख रहे होगी, भाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो,